तो आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कोई ऐसा फ्री मेथड बताइए जिसकी मदद से हम लोग YouTube या फिर Facebook पर पहले से रिकॉर्ड की हुई वीडियोस की लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएं। हालांकि इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले बना के डाली है कि 24/7 स्ट्रीम या फिर प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस की स्ट्रीम आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, बट वहाँ पे मेथड कुछ ना कुछ पेड होते हैं, बट बहुत से लोग प्लान या सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना चाहते हो, तो फ्री ऑप्शंस क्या हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड के साथ जो लोग भी अपने यूट्यूब या फिर फेसबुक पर प्री रिकॉर्डिंग वीडियो या फिर 24/7 की स्ट्रीम बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेन आ रही थी कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है या फिर उसमें कुछ ना कुछ पार्ट स्किप होता है, तो फिर इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है एक्सेट्रा। तो ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। सबसे पहले हम लोग google.com पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे OBS, ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग या फिर 24 आवर स्ट्रीम होती है उसे हम लोग कर पाएंगे। तो इसे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं विंडोज़ के लिए और ये अप्रोक्स बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आप लोग अपनी स्ट्रीम को कर पाओगे। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा इसे हम लोग सिंपल अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और काफ़ी आसानी के साथ इसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो और इसे आप लोग किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, पहले हम लोग स्ट्रीम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इस कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं जो कि रिक्वायर्ड रहेगी स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले। तो सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की ऑप्शन देखने को मिलेगी। सबसे पहले स्ट्रीम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे यूट्यूब और उसके बाद हम लोग अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोग अपना जीमेल लॉगिन कर लेना अगर नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना चैनल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे बिकॉज मेरे पास मल्टीपल चैनल है, तो मैं अपना टेस्टिंग चैनल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ऑथराइजेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, नाउ यू कैन क्लोज दिस पेज। ठीक है, तो इस पेज को क्लोज कर सकते हो, आपका जो यूट्यूब रहेगा वो इस OBS के साथ लिंक हो गया। उसके बाद आउटपुट की सेटिंग करेंगे। वीडियो बिटरेट आप लोगों ने देनी है 4500/1080 स्ट्रीम के लिए काफ़ी इनफ होती है अगर आपकी जो स्पीड है 50 MBPS के आसपास है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप लोग बिटरेट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो 55 या 65 तक, बट उससे ज़्यादा नहीं लेके आना है, अदरवाइज आपकी जो वीडियो रहेगी वो लैग करना स्टार्ट हो जाएगी। ऑडियो बिटरेट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग 192 या फिर 128 रख सकते हो, दोनों ही बेस्ट रहते हैं स्ट्रीमिंग के लिए। मैं 128 रख रहा हूँ। उसके बाद वीडियो इनकोडर की बात करें तो अगर आपके सिस्टम के अंदर GPU लगा हुआ यानी कि ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो आपको हार्डवेयर दिखाई देगा, अदरवाइज आप सॉफ्टवेयर से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको इनकोडर प्रीसेट्स के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप लोगों को क्वालिटी सिलेक्ट करनी है। तो जैसे कि अगर आपके सिस्टम के अंदर GPU है तो फिर यहाँ पे आप लोग स्लोअर रख सकते हो, अगर GPU नहीं है तो आप लोग कोशिश करना मीडियम या फिर फास्ट लेके जाना। इससे क्या होगा, आपके सिस्टम पर लोड कम पड़ेगा और आपका सिस्टम हीट कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अभी GPU है तो इस वजह से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा बेटर या फिर गुड क्वालिटी के ऊपर, बेटर क्वालिटी रख लेते हैं। ओके, एंड इसके अलावा आप लोगों ने कोई और सेटिंग नहीं करनी है। उसके बाद ऑडियो के अंदर जाना है, सैम्पलिंग रेट आपका 48 kHz ही रहेगा और जो आपका चैनल रहेंगे वो स्टीरियो के अंदर रहेंगे। अब चलते हैं, और इसके अलावा आप लोगों ने कोई और सेटिंग यहाँ पे चेंज नहीं करनी है बिकॉज हमें यहाँ पे सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करनी है प्री रिकॉर्डिंग वीडियो की, तो और किसी सेटिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग वीडियो सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो बेस कैनवस रेजोल्यूशन रहेगा वो 1080p रखेंगे, यानी कि 1920x1080। ठीक है, और सेम हम लोग आउटपुट को भी रखेंगे। अगर हम लोग फुल HD में स्ट्रीम करना चाहते हैं तो हमें 1080 पर जाना पड़ेगा। अगर आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन का है तो आप लोग 60 FPPS भी कर सकते हो, अदरवाइज 30 FPPS भी इनफ होते हैं। हॉटकी समय यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं करनी है, अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, मतलब चैट आपकी यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे अपना जो YouTube चैनल रहेगा उसे लॉगिन कर सकते हो ताकि जो आपका OBS रहेगा वो दिखा सके कि आपके चैनल पर कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब कितने लोग स्ट्रीम देख रहे हैं या फिर कितने लोग लाइव हैं, कितने एवरेज वॉच टाइम है, वो सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है अपना जो कि है YouTube चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रीम वाला चाहे चैट वाला पार्ट आप लोग कैंसिल कर सकते हो बिकॉज अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकेस अगर आप चाहो तो बाद में इसे ऐड कर सकते हो। तो इसे आप लोग क्लोज कर सकते हो। अगर आप दोबारा चाहते हो तो डॉक्स के अंदर जाओगे और चैट पे क्लिक करोगे, वापस से आ जाएगा, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, वैसे भी ये चैट रीड करने के लिए होता है। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे वीडियो सोर्स को ऐड करने वाले हैं, यानी कि जिस वीडियो को आप लोग स्ट्रीम करना चाहते हैं उसे ऐड करने वाले हैं। प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया सोर्स पर क्लिक करेंगे और आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद लोकल फाइल्स के अंदर जाके अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है जो कि आपके सिस्टम के अंदर होगी और इस लूप के बटन को इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी मान लो 5 मिनट की वीडियो है तो जैसे ही वो एंड होगी वो वीडियो रिस्टार्ट हो जाएगी वहीं से, आपको बार बार खुद से मैनुअली रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम लोग मैनेज ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह अपना सब कुछ ऐड कर सकते हो। आपको यूट्यूब पर जाकर कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे टेस्टिंग स्ट्रीम।
ठीक है, और टेस्टिंग फ्रेम प्री रिकॉर्डिंग, ठीक है, और सेम ही मैं इसको डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ। उसके बाद प्राइवेसी की बात करें तो हमें पब्लिक स्ट्रीम करनी, बिकॉज हम लोगों को दिखाना चाहते हैं तो पब्लिक ही रहने देंगे। उसके बाद आप लोग कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, एंड उसके बाद आप लोग अपना थंबनेल लगा सकते हो। थंबनेल भी आप लोग यहीं से लगा सकते हो, आपको थर्ड पार्टी यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो उसके बाद आप लोगों ने सब कुछ सेटिंग्स करके और यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएट ब्रॉडकास्ट पे, या फिर आप लोग क्रिएट ब्रॉडकास्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगी, बट हमें इंस्टेंट स्टार्ट नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्रिएट ब्रॉडकास्ट करना है। तो ये सेटिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है, जब आप रेडी हो जाओ तो उसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर। जैसे आप लोग स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करोगे, आपकी जो वीडियो रहेगी वो यूट्यूब पर लाइव आ जाएगी, यानी कि जो वीडियो अभी हमारे OBS के अंदर चल रही है ये वीडियो यूट्यूब पर लाइव आ जाएगी। तो अभी आप लोग देखोगे हमारा जो कनेक्शन था वो एस्टेब्लिश हो चुका है और एक्सीलेंट अभी कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग जाके चेक करते हैं यूट्यूब के अंदर क्या हमारा जो वीडियो है वो लाइव हुआ है। और हम लोग चलते हैं टेस्टिंग चैनल ओपन करते हैं, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाते हैं और कंटेंट के अंदर जाते हैं एंड लाइव के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी जो वीडियो यहाँ पे लाइव हो चुकी है, इसको क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे ओपन करते हैं एंड यहाँ पे उसके बाद आप लोग ओके। तो हमारी वीडियो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है, ऑडियो क्वालिटी वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे हमें सही देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप चैट स्क्रीन को वापस OBS के अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। OBS के अंदर वापस आने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है डॉक्स एंड चैट के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपकी जो चैट आ चुकी है, अब यहीं से आप लोग मैसेज कर सकते हो अपने ऑडियंस को डायरेक्टली। देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और अगर आप यहाँ से भी करोगे तो भी यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को बार बार यूट्यूब में जाना नहीं पड़ेगा, और इससे आप लोग छोटा वगैरह करके कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग पूरी सेटिंग्स कर सकते हो अपने यूट्यूब की प्री रिकॉर्डिंग वीडियोज़ की लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। अब सेम मेथड आप लोग यूट्यूब या फिर फेसबुक पर भी अप्लाई कर सकते हो, फेसबुक को कनेक्ट करके यहाँ से अपनी पुरानी वीडियोज़ की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। और इसके अलावा कोई अदर प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस की लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आप लोगों के पास मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास बेसिक से बेसिक कंप्यूटर है, यानी कि जिसके अंदर 4 कोर का CPU, कम से कम 8 GB की रैम है, तो उसमें आप लोग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। बट इसको आप लोग 24/7 चला के नहीं छोड़ सकते। उससे क्या होगा कि 24/7 अगर आप चलाओगे तो आपका जो CPU है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा, और मे बी वो डैमेज भी हो जाए। तो अगर आपके पास उससे अच्छा कंप्यूटर है, यानी कि आप लोग गेमिंग PC वगैरह है, तो आप इसे लॉन्ग टाइम तक चला के रखते हो। बट इसमें डिसएडवांटेज एक ही होता है कि आपका जब अगर इंटरनेट कट जाता है या फिर लाइट चली जाती है, तो उस टाइम पर अगर आपका पास बैकअप नहीं है तो फिर आपकी जो स्ट्रीम रहेगी वो रुक जाएगी। तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके जो कि पेड होते हैं। अगर आपको फ्री वाला करना है, जैसे 1-2 घंटे की वीडियो करनी है सिर्फ लाइव अपने यूट्यूब पर, तो आप लोग इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।